आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड इफ यू आर वंडरिंग कि इस स्मॉल से कंटेनर की को लेकर मैं यूआई यूएक्स जो है बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, सो बेसिकली इसी कंटेनर की हेल्प से जो है मैं आपको जो है यूआई यूएक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझाने की कोशिश करूँगा। एंड आप कहोगे कि यार मैं तो यूआई यूएक्स को जो है डिजिटली मैं समझता हूँ, लाइक आप कोई ऐप बताओगे, कोई वेबसाइट के बारे में बताओगे, सो मैं वो भी बताऊँगा, बट इट डजंट मीन कि यूएक्स जो है सिर्फ और सिर्फ जो है डिजिटली प्रोडक्ट पे जो है अप्लाई होता है, इनफैक्ट ये फिजिकल प्रोडक्ट पे भी अप्लाई होता है। सो ये किस तरीके से काम करता है मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बहुत ईजी तरीके से आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। सो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसके एग्जाम्पल मैं आगे जो है आपको बताऊँगा, सो एंड तक वीडियो को देखना। सो पहले जो है हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जो है बाय प्रैक्टिकल समझाऊँगा। एंड थोड़ा मेरा पढ़ाने का जो है तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको मैं कोशिश करता हूँ बहुत ही इजी वे में जो है समझा पाऊँ। तो आज की एपिसोड जो है स्टार्ट करूँ, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने कभी भी इस तरीके से रिक्वेस्ट नहीं किया आप लोगों से। सो बेसिकली जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ में आती है वीडियो तो इसे लाइक कर दो और कमेंट करो, ताकि जो है यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसी हिसाब से वर्क करता है, ताकि मेरी वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुंचे और ये जो है हेल्पफुल हो पाए। सो बस यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, सो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज की एपिसोड जो है हम स्टार्ट करते हैं, और इस एपिसोड में जो है मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक से हटकर जो है रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ जो है समझाने की कोशिश करूंगा कि यूएक्स यूआई जो है किस बलह का नाम है, क्या चीज़ होती है, और इसकी जो है डेफिनेशन क्या है, और यूएक्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चाहे ये जो है फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो, ये किस तरीके से जो है वर्क करती है, क्यों ज़रूरी है सीखना अगर आप इस फील्ड में जो है इंटरेस्टेड हो। सो एंड तक वीडियो को देखना। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए अब जो है हम लोग समझ लेते हैं यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है और यूआई डिज़ाइन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यूएक्स डिज़ाइन के बारे में बताऊं। सो यूएक्स डिज़ाइन जो है यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन को कहते हैं, जहाँ पे एक यूज़र की जर्नी को जो है ओवरऑल एक यूज़र की जर्नी को जो है फोकस करती है, जब एक यूज़र किसी भी प्रोडक्ट के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। सो ये प्रोडक्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि ये डिजिटल हो, ये फिजिकल भी जो है हो सकती है, मैं आगे आपको जो है इसको जो है बाय प्रैक्टिकल समझाऊंगा। सो बेसिकली एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का काम होता है किसी भी प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करना कि एक यूज़र की जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जो है किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो और उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो चीज़ हो सकता है या बैड या गुड, यानी कि अच्छा या बुरा, ठीक है। सो ओवरऑल जो आपकी जर्नी होती है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ये काम जो है एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का होता है। सो अगर हम जो है बात करें यूआई डिज़ाइनर की, तो इसको हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर कहते हैं, जिसका काम होता है एक प्रोडक्ट की लुक एंड फील के ऊपर जो है फोकस करना। सो ये बेसिकली जो है एक विजुअल डिज़ाइन की तरह जो है काम करती है। सो एक जो प्रोडक्ट है उसकी फील क्या होगी, उसकी लुक क्या होगी, किस तरीके से जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हो तो सबसे पहला जो आपका जो है इंटरेक्शन होता है प्रोडक्ट के साथ वो उसके लुक एंड फील के ऊपर होता है। तो एक यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर जो है उसी के ऊपर जो है ओवरऑल फोकस करते हैं। सो अगर हम जो है स्किल्स की बात करें, तो बहुत सारी स्किल्स जो है हम आने वाली वीडियो में जो है वन बाय वन सीखेंगे। सो ओवरऑल मैं एक छोटा सा जो है इन शॉर्ट आपको बता दूं, तो यूएक्स डिज़ाइनर के लिए जो है यूज़र रिसर्च, यूज़र इंटरेक्शन एंड प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक उसी तरीके से जो है यूआई डिज़ाइनर के लिए जो है टाइपोग्राफी, आइकनोग्राफी और मैं बोलूँगा कलर साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है फोकस बेसिकली करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है, स्किल्स के लिए। सो ये सारी चीज़ें जो है हम वन बाय वन सीखेंगे। तो चलो पहले हम जो है थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो अब हम अगर टूल्स की बात करें, तो एक यूआई डिज़ाइनर जो है फिग्मा जैसी जो है
सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है अपनी जो है डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए, इन अदर हैंड एक यूएक्स डिज़ाइनर के लिए जो है कोई टूल्स भी पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो चाहे तो एक प्रोडक्ट की पूरी जो है जर्नी जो है वो एक पेन और पेपर के साथ भी जो है वो बना सकता है। सो अभी मैंने जो है आपको एक शॉर्ट वे में जो है यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है, यूआई डिज़ाइन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया इन अ थ्योरेटिकल वे। सो अब मैं आपको जो है एक प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा ईजिएस्ट तरीके से कि ये किस तरीके से जो है वर्क करती है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस से मेरे पास वो कंटेनर है। सो ये एक जो है लाइक फ्रोजन डिज़र्ट है, और अगर आप इसको ख़रीदने जाओ किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे तो ये शेल्फ पे पड़ी रहती है, और इस पर आपका जो सबसे पहला इसका इंटरेक्शन होता है वो इसकी लुक एंड फील के ऊपर होती है। सो आप इसको देखते हो, खरीदते हो, देन इसके बाद जो है इसको एक्सपीरियंस करने का टाइम आता है जब आप इसकी ओपनिंग पोर्शन में जाओ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पे इस तरीके से हो रही है, आई होप कि आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। सो आप इमेजिन करो कि ये चीज़ ना हो, ठीक है, ये चीज़ ये कंटेनर के ऊपर ना हो, ये पूरा पैक्ड हो, और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि इसको खोलें कैसे, राइट। जब ये आप कन्फ्यूज़ होगे, आपसे खुलेगी नहीं, वो एक एंगर इशू आएगा, एक फीलिंग जो है आपकी जनरेट होगी, वो फीलिंग क्या होगी, फ्रस्ट्रेशन की। और जब फ्रस्ट्रेशन होगी तो उससे क्या साबित होता है, ये साबित होता है कि आपका जो ओवरऑल इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बुरा है, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से खोलूं, और कंपनी अगर इस तरीके से जो देती है और ये इस तरीके से अगर मैं खोलता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, ठीक है। इन अ सिमिलर वे डिजिटल वर्ल्ड में भी जो है ये सेम चीज़ अप्लाई होती है। किसी भी मैं आपको बताऊँ डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में, तो आप किसी भी वेबसाइट पर जब जाते हो, किसी भी या मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जाते हो, आप ऐप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी जो है यूज़र एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मैटर करती है, और उसी को हम जो है आगे इंटायर कोर्स में जो है डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ के ऊपर, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसके डिज़ाइंस के ऊपर, एक यूज़र जर्नी, यूज़र फ्लो, राइट। तो सारी चीज़ें हम एक करके जो है डिस्कस करेंगे। आज जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यूएक्स और यूआई को समझते हैं। सो आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, और यहाँ तक जो है काफ़ी ईजिएस्ट वे में मैं बोलूँगा इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो डिजिटल प्रोडक्ट पे मैं समझा सकता हूँ आपको, बट इट हैज़ टू बी लाइक ईजी वे टू अंडरस्टैंड यू कि हम जो है यूज़र एक्सपीरियंस को जो है फिजिकल डिजिटल सभी जगह यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर मैं फिर से आपको डिजिटल के बारे में बताऊँ, तो अगर आप किसी वेबसाइट पर गए सपोज, और वहाँ पे जाते ही जो है एक कॉल टू एक्शन बटन आपको दिखा, वो कॉल टू एक्शन बटन आपको सपोज आपको जो है कॉन्टैक्ट अस पेज में ले जाना था, बट वो आपको अबाउट अस पेज में ले गया, ये आप समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है, ये डिज़ाइन मिस्टेक है, ये ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस को जो है ख़राब कर रहा है। ये बोलोगे कि ये कैसे कर रहा, ऑफकोर्स ये कर रहा आपके टाइम को कंज्यूम कर रहा, जाहिर सी बात है आप फ्रस्ट्रेट हो गए, ये क्या, मैं तो यार कॉन्टैक्ट अस पेज में जा रहा हूँ, मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है जो अबाउट अस पेज में। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया, आगे बहुत कुछ है, बहुत बड़ी जो है ये लाइक इंडस्ट्री है समझने, और इस इंडस्ट्री को जो है आप बहुत ही अच्छे से जो है एक्सप्लोर कर सको, इसीलिए मैं जो है काफ़ी ईजी वे में जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूएक्स क्या होता है, यूआई क्या होता है। आगे बहुत सारी चीज़ें, नेक्स्ट जो वीडियो हम जो है मैं आपको समझाऊंगा डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में, काफ़ी कुछ आपको जो है क्लियर हो जाएगी, राइट। सो आई होप कि इतना तक जो है आपको काफ़ी कुछ जो है समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ कि क्या इस इंटायर कोर्स को मेरे से सीखो या किसी से भी सीखो, क्या करने से आप एक यूएक्स डिज़ाइनर बन जाओगे, तो मेरा कहना है कि नहीं, आपको कंसिस्टेंटली जो है लर्निंग करनी ही पड़ेगी। चाहे मैं अभी सीख रहा हूँ, एक बिगनर स्टेज में हूँ, मिड स्टेज में हूँ, या हाई लेवल पे हूँ, हर कोई सीख रहा है, राइट। तो यहाँ पे नेवर एंडिंग साइकिल है ये कि कभी एंड नहीं होगा। आज आप कुछ डिज़ाइन को किसी ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो, कल वो सेकंड में ही वो चेंज हो जाएगी। आप सुबह उठ रहे हो, वो पूरा इंटायर जो है सिस्टम चेंज, आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा, तो वो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और ये करते करते होगा, ये एक दिन का चीज़ नहीं है, राइट।
राइट। सो आपका बेसिक किसी भी चीज में जो है क्लियर होना बहुत लाजमी है, राइट। सो आपको आई होप कि मैं आपको जो है समझा पाया, और अगर आप एंड तक देख रहे हो तो आपको काफी कुछ जो है सीखने को मिली होगी। सो इस वीडियो को जो है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा अबाउट डिजाइन थिंकिंग के बारे में, और वहाँ पे हम बहुत सारा जो है डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको ब्लोन अवे हो जाओगे आप ये क्या है, ठीक है। सो ओके, सो इसको जो है एंड करते हैं, फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। सो टिल देन आप जो है अपना ख्याल रखो, और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। सो फिर मिलूंगा, टिल देन, बाय बाय।